Yeah.
सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य का नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु का अष्टोत्तर सात श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार वंदन प्रति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी वृंद वैष्णव वैष्णवी में आज गौड़ीय वैष्णव साहित्य में झूलन का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रज में प्राचीन काल से ये उत्सव एक महीने में श्रावण महीने में आते हैं। नवयात्रा सब विवाहित कन्याएं विवाहित स्त्रियां अपने पिहर में जाती हैं, कदम्ब की डार में झूला लगाती हैं। कदम्ब नहीं है तो आम की, नहीं है तो घर में ऐसे ही झूला लगा दिया, किंतु झूले नहीं सकते। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी झूले कुछ झूलती हैं कुछ झूलाती हैं। और उसमें का गान राधा कृष्ण के झूलन का, झुक आए बदरा झुक आए राधा झूलन पधार, इस तरह से कीर्तन करते हैं। श्रावण का महीना आ गया, अपने ससुराल में जावट में राधा जी चिंता कर रही है, बड़ी उदास हो रही है। अभी तक सिद्धाम भैया मुझे लाने के लिए ले जाने के लिए नहीं आए। मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे भुला दिया है और इतने में सिद्धाम भैया आ गया। राधा जी रोने लगी, नहीं माता पिताजी ने हमें भेजा है मैं ले जाने के लिए, चलो हमारे साथ। मैंने कहा ऐसे नहीं, हमारी सास जटला जी से आदेश ले आओ। तो सिद्धाम जी गए जटला जी के पास में, बोले मैं बहन को श्रावण महीने के लिए ले जाना चाहता हूँ, आप आदेश दें। बड़ी खुशी हुई और उनको आदेश दे दिए। राधा जी भाई के साथ में परसामे आई, माता पिता को देख करके आवेग से उन्हें बड़ी रुलाई आई। पीछे शांत होने के बाद में घर में बैठे, दूसरे दिन झूला लगाया। यहाँ पर बरसाने में मंदिर है, उस समय जंगल था, वहाँ झूला लगाया। सखियाँ भी आई, ललिता विशाखा इत्यादि सखियाँ, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही। और उस समय ब्रज में जितने सीजन के जितने ऋतुओं के फूल थे, बेली चमेली कदम्ब और जो जाति ये सब फूल खिल गए और इंतजार कर रहे हैं। कोकिल भी कुहू कुहू कर रही, मयूर मेघ देखते ही नृत्य कर रहे हैं, सुनते हैं ये कृष्णा आ गया। कृष्ण भी छल बल करके और बरसाने में पहुंच गए। झूला तो लग गया किंतु कृष्ण वहां पर आए हैं, कुछ खोज रहे हैं, किसी की खोज में है, इसलिए झूला पर नहीं बैठ रहे। ललिता विशाखा जी कह रही है राधा जी को, झूला न पधारो चूक आई बदरा, बादल आ गए हैं, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, किंतु कहीं गंभीर मेघ से भारी न बरसे जोर से, अली हट ना कर,
शाखा जी कह रही है अली जल्दी आओ, तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हठ न करो अली, हठ न करो। जड़ी विलंब करेगी नहीं आएगी, हट करेगी मान करेगी तो समझ रखो परिणाम बड़ा बुरा होगा। कृष्ण चंद्रावली को लेकर के बैठ जाएंगे और तुम देखती रह जाएंगे, इसलिए जल्दी से पधारो, जल्दी से बैठ कर। तो उनके समझाने से राधा जी, झूले दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक ही झूला होता है और उस पर कृष्ण खड़े हो जाते हैं, राधिका जी को भी पहचान लेते हैं और ऐसा झूलते हैं ऊपर में और फिर इधर में बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं ऊंचाई। राधा जी डर के मारे उनको पकड़ लेती है, कृष्ण जी तो सब समय राधा जी तो मान करती है, किंतु इस लीला का यही वैशिष्ट्य है, बिना मांगे वरदान मिल जाता है, राधा जी उनको आलिंगन करते हैं। दूसरा झूला होता है एक सामने और उसी में लगा हुआ एक दूसरा, सामने एक इधर में एक उधर में। जब झूला झूलता है तो कभी श्यामा जी ऊपर हो जाती हैं और कभी श्याम इधर से श्याम हो जाते हैं, उस समय भी बड़ी विचित्र और तरह तरह की मल्लार राग में गोपियां धारण करती हैं। इस तरह से ये झूले का संबंध कुछ सनातन गोस्वामी से भी है। एक समय सनातन गोस्वामी जी राधा कुंड में श्री रूप गोस्वामी के यहाँ पहुंचे, अरे कुछ लिख रहे हो भैया? हाँ हमने लिखा है। क्या लिखा है? वो क्या है भाई? नौ गोरोचना गौरी सनातन प्रभु जाने भैया ये तुमने क्या किया? राधा जी परम मधुर परम सुकुमार हैं, उनकी बेणी की तुलना तुमने नागिन के साथ में कर दी, ये बहुत नाता जी। भाई जी आप इसका सुधार कर दीजिए, कुछ दूसरा शब्द दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत देर तक सोचा बिचारा, किंतु कोई दूसरा शब्द नहीं आया। तो वो सोचते सोचते अपने कुटी में आ रहे थे, इतने में राधा कुंड के पश्चिम की ओर में एक कदम का पेड़ था, वो सूख गया। उन्होंने देखा कि आप कदम की डाल में झूला झूला लगा हुआ और एक सुंदरी लड़की बीच में किशोरी बैठी है और उसको सात आठ लड़कियां झूला रही। कुछ निकट में पहुंचे तो देखा, अरे जो झूल रही है उसके केस में ऊपर से नाखून ऐसे कट रही है, केस का अगला भाग कुछ ऐसा और काला भुजंगनी जैसा, और वो ऐसे ऐसे जब झूलती है तो ऐसे ऐसे सनातन पूछा, अरे ठहरो लाली लाली लाली, ये क्या तुम्हारे सिर पर बिनी पर नागिन बैठी है, अभी तुम्हें डस देगी, जल्दी से ठहर। इतने में देखा वो सखी कुछ मुस्कुरा करके और अंतर ध्यान हो गई, वो लीला भी अंतर ध्यान हो गई और वो झूला भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि ये क्या, मैं स्वप्न देख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? तो नो नहीं, राधा जी स्वयं थी और सहेलिया ये ललिता भी साथ थी, मुझे शिक्षा देने के लिए गुरु ने जो कुछ लिखा है वो पूर्ण तरह से सत्य है, इसको दिखलाने के लिए आंखों में आंसू भर रहे और रूप गोस्वामी के हाथ में भैया इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ लिखा है ये सब बातें इससे संबंधित है। हमारे
कृष्णदास का बजाय गोस्वामी का क्या है, गोविंद लीलामृत, कवि कर्णपुर का आनंद वृंदावन शैंपू आदि ग्रंथों में राधा जी के इस देव का वर्णन विशेष रूप से वर्णन। एक एक बार एक सहेलियों के साथ में, कभी ललिता के साथ, कभी विशाखा के साथ, इस तरह से सब सखियों को लेकर के कभी झूलती हैं, कभी झूलाते हैं, इस प्रकार से वंशा कल्प तरु वैश्य प्रकार से। कल सवेरे हम लोग रूप गोस्वामी की समाधि में जाएंगे, कई बजे 6 बजे 6 बजे जाएंगे। आप सभी लोग चलेंगे रूप गोस्वामी के यहाँ, उनके संबंध में हम लोग कुछ बोलोगे और उनके चरणों में पुष्पांजलि सभी लोग देंगे, जो उनकी कृपा प्राप्त हो, उनके ग्रंथों में हमें प्रवेश करने का अधिकार है। प्रार्थना करते हैं कि चले आएंगे शाम को 6 बजे से, 5 बजे से हम लोग बैठेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे और रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र का वैशिष्ट उसमें वर्णन करेंगे, आप लोग भी सुनेंगे। इसलिए आयोजन करता हूँ कि लोग रूप गोस्वामी के संबंध में जाने, हमारे संप्रदाय के विचारों को जाने। महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी के हृदय में प्रेरणा दी और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल इनमणि, भक्त स्वामी सिंधु, पितर माधव, ललित माधव इत्यादि ग्रंथों को, हंस दूत इत्यादि बहुत से ग्रंथों को, उनकी कृपा से उनमें हमारा प्रवेश हो और समझ सके, इसलिए उनके चरणों में कुछ
Thank you.